नमस्कार। आज का युवा वर्ग ऑनलाइन मार्केटिंग कर अपने आप को स्मार्ट बनना चाह रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो मोबाइल, टीवी या अन्य बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो ऑनलाइन जो है आपके रेंज के अनुसार, आपके बजट के अनुसार उपलब्ध हैं। अगर इन्हीं ऑनलाइन की बात किया जाए तो MI भी एक जाना पहचाना नाम है, जो टीवी से लेकर मोबाइल या अन्य बहुत सारे उत्पाद बड़ा बेचा करती है। MI पहले तो ऑनलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब वो कुछ दिनों से जो है अपना स्टोर भी देना शुरू कर दिया। गाजीपुर में भी 3 स्टोर दी हुई है, जिसमें से आज हम एक स्टोर पर खुद खड़े हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल के वैरायटी हैं, और मोबाइल के साथ साथ बात करें तो इनके साथ बात जो है अन्य बहुत सारे इनके आइटम भी है, और TV सहित बहुत सारे आइटम हैं। आज हम यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि आज ये जो ऑनलाइन के रेट में देने का कितना वादा करते हैं और कितनी जो है इनकी बातों में सच्चाई है। अभिषेक जी, आप ऑनलाइन के जो आपके MI का जो स्टोर है, MI का स्टोर में लोग कहते हैं कि ऑनलाइन रेट में आप देने की बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को क्या फैसिलिटी देंगे आप? Xiaomi एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन के साथ साथ MI स्टोर भी खोल रही है। पूरे UP में अगर बात की जाए तो लगभग 2000 स्टोर पूरा ये खोल चुकी है। और अगर स्टोर की बात की जाए तो सेम ऑनलाइन प्राइस पे ही ग्राहकों के लिए ये मोबाइल एसेसरीज, आप देख सकते हैं कि तमाम एसेसरीज इसमें लगे हुए हैं, तमाम तरह के जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, TV लगी हुई है। मार्केट से कम दामों पे एक स्पेशल क्वालिटी की आपको TV बेस्ट क्वालिटी की मिल जाती है, जो कि स्मार्ट TV है। अगर TV की मार्केट की बात करेंगे तो 40% इकलौती MI एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने TV की मार्केट में कब्जा कर लिया है। अगर स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे तो स्मार्टफोन में 31% कब्जा है और इस समय पूरे इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है। ऑनलाइन का जो रेट है, तो ये TV की बात कर लें, लोगों को बहुत सारी जरूरत है तो TV को ऑनलाइन क्या रेट है और आप कितने में दे रहे हैं? अगर इस समय मौजूदा समय में अगर 15 अगस्त के समय ऑफर चल रहा था तो इस समय 12,500 का TV पड़ रहा था ऑनलाइन रेट पे, जो कि स्टोर पे भी वही रेट में मिल रहा था। अभी क्या है कि ऑफर ये ख़त्म हो चुका है, 13,000 में TV आपको उपलब्ध हो जा रही है। लेकिन मौजूदा हालात में अगर TV की बात करेंगे तो इस रेट में किसी भी कंपनी के पास स्मार्ट TV उपलब्ध नहीं है।